बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार पर नाराजगी जताई है। पराली जलाने वालों पर एक्शन में समानता नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किसी को पुचकार किसी को फटकार क्यों? आपने 1080 लोगों पर FIR दर्ज की, 473 लोगों से जुर्माना वसूला, 600 से ज्यादा लोगों को आपने ऐसे ही छोड़ दिया, क्यों? ये अविश्वसनीय है। जुर्माने की राशि कितनी कम है, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया और ये कहा कि किसी को तो आप पुचकार रहे हैं, किसी को आप फटकार लगा रहे हैं। 1080 लोगों पर अगर FIR दर्ज की गई तो बताइए कि 600 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें छोड़ दिया गया, तो ये आपने क्यों किया? सुमित, ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी पूरे मामले में कि किसी को तो पुचकार रहे हैं, किसी को फटकार लगा रही है, असमानता क्यों? अब ऐसे में जाहिर सी बात है गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस दौरान टिप्पणी की गई, जरा बताएं। देखिए प्रीति, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार पर नाराजगी जताई है। कोर्ट का कहना था कि अगर ये सरकारें वास्तव में कानून लागू करने में रुचि रखती तो कम से कम एक मुकदमा तो होना ही चाहिए था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि करीब 1080 मामले जो हैं में FIR दर्ज की गई, लेकिन महज 473 मामले में ही जुर्माना लगाया गया, यानी कि आप करीब 600 से अधिक लोगों को आप छोड़ रहे हैं, ऐसा दया दृष्टि आप क्यों दिखा रहे हैं? ये पंजाब सरकार के मुख्य सचिव से सुप्रीम कोर्ट का सवाल था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में अगर हमारे आदेश का अगर नहीं किया जाएगा तो हम कंटेम्प्ट का मामला जो है वो हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ हम चलाएंगे। पंजाब सरकार की जो दलीलें थी, पंजाब सरकार के जो मुख्य सचिव की जो दलीलें थी, उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल हरियाणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सुनवाई कर रहा है। हरियाणा के मुख्य सचिव ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हम हर मामले में FIR दर्ज करते हैं, हमने करीब 10,000 मामलों को घटाकर 400 तक मामला पे ला दिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये सब बकवास आंकड़े हैं। अगर आप 10,000 से 600 मामले अगर आप घटा दे रहे हैं, यानी कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये ऐसी तल्ख टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को चेतावनी दे दी है कि अगर हमारे आदेश का अगर पालन नहीं होगा तो हम दोनों अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाएंगे। यानी कि हर हाल में पराली जलाने की जो घटना है वो किसी भी तरह से रुकनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे जो स्मॉग है वो दिल्ली NCR में पूरी तरह से छा जाएगा। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये चेतावनी दे डाली है कि आप किसी भी तरह से पराली जलाने की घटना से निपटे, नहीं तो हम आपको आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाएंगे। फिलहाल पंजाब के मामले में सुनवाई हो चुकी है, हरियाणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक्त सुनवाई कर रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार ने जो भी आंकड़े दिए हैं उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा है। जी, और सुमित, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई में पूछा गया कि आखिर जुर्माने की राशि इतनी कम क्यों है, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है जुर्माना कम होगा तो पराली जलाने की घटनाएं ज्यादा होंगी, लोग यही सोचेंगे कि भाई ठीक है जला लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इतने पैसे भरने भर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये रवैया लोगों के अंदर आता है और इसी का भुगतान दिल्ली NCR के लोगों को करना पड़ता है। बिल्कुल प्रीति, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव को फटकार लगाई है। पहला सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कि अगर आप मुकदमे दर्ज करते हैं, जितने मामले में अगर FIR होता है लेकिन उतने मामले में आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती है, और आप कार्रवाई भी कम करते हैं और जुर्माना भी बहुत कम लगाते हैं।